महाकाल लोक का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इंदौर आकर उज्जैन जाएंगे। लौटते वक्त वे सड़क मार्ग से इंदौर आ सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए इंदौर से उज्जैन के बीच 50 किलोमीटर सड़क को 4 दिन में लाइटिंग लगाकर सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री के इंदौर से उज्जैन जाने के लिए वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर इंदौर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। MI-17V5 नामक यह मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट खास तौर पर VIP ड्यूटी के लिए तैयार और मॉडिफाई किया गया है। सोमवार को संभवतः इसकी टेक ऑफ और लैंडिंग की रियल टाइम रिहर्सल होगी। महाकाल लोक का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इंदौर आकर उज्जैन जाएंगे। बता दें 12 अक्टूबर से महाकाल मंदिर दर्शन व्यवस्था में देश का सबसे सुव्यवस्थित मंदिर हो जाएगा। यहां दर्शन व्यवस्था अगले 50 साल को ध्यान में रखकर बनाई गई है। उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं को सबसे बड़ी सुविधा बिना भीड़ के सुविधाजनक और कम समय में दर्शन की मिलेगी। रात में सोने की तरह दमकने वाले कॉरिडोर में सुंदरता के साथ आम श्रद्धालुओं को शिवरात्रि, नागपंचमी और सिंहस्थ जैसे त्योहारों के लिए दर्शन की एक बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही है, जो देश के किसी मंदिर में नहीं है। किसी भी त्यौहार पर ना तो महाकाल पहुंचने वाले वाहनों को शहर से दूर रोका जाएगा और ना ही कई किलोमीटर पैदल चलना होगा। श्रद्धालुओं को पार्किंग से लेकर महाकाल दर्शन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। वहीं 1 घंटे में 30,000 लोग दर्शन कर सकेंगे। व्यवस्था ऐसी होगी कि 1 दिन में 10 लाख श्रद्धालु भी पहुँच जाए, उन्हें दर्शन कराए जा सकते हैं। फेस 1 की व्यवस्था है जिसका उद्घाटन होगा। वहीं उज्जैन के चारों ओर पार्किंग बनेगी। 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर मेला क्षेत्र में भी पहुंचा जा सकेगा। फेस 2 की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इसमें सिंहस्थ को ध्यान में रखकर प्लान किया गया है। सिंहस्थ के दौरान इंदौर, रतलाम, देवास, मक्सी जैसे किसी भी शहर से उज्जैन आने पर सिंहस्थ मेले के 1.5 किलोमीटर नजदीक गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। लोगों को मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए ना तो कई किलोमीटर पैदल चलना होगा और ना ही किसी पास की जरूरत होगी। इस 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में भी तिरुपति की तरह बैटरी वाली सरकारी गाड़ियां चलेंगी। 30 सितंबर 2023 तक महाकाल आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 2500 गाड़ियों की पार्किंग तैयार हो जाएगी। वहीं सिंहस्थ को लेकर 7000 गाड़ियों की स्थायी पार्किंग व्यवस्था नदी के किनारे ही बनाई जा रही है। इसके लिए छिप्रा किनारे कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।